श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल शिवभक्ति मार्ग में। 4 सितंबर को भाद्रपद मास का पहला सोमवार पड़ रहा है और आपको मात्र 11 चावल के दाने और एक लोटे जल से बहुत ही अचूक उपाय करना है। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी शिव महापुराण की कथा में इस बहुत ही अचूक उपाय को बतलाया था, जिसे मैं आज आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। परंतु वीडियो पर चलने से पहले, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और जान लेते हैं ये उपाय किन लोगों को करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक बात को समझिएगा, आपके घर में बरकत नहीं है, धन की आवक तो है, आप कमाते तो 10 रुपये हो परंतु उसमें से 1 रुपये भी नहीं बचते, वह खर्च हो जाते हैं। यानी कि धन का आगमन तो है परंतु बचत के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं है। यानी कि धन आता है, वह कहीं ना कहीं पर खर्च हो जाता है, जैसे कि बीमारियों में चला जाना, व्यापार कर रहे हो, पैसा आ तो रहा है परंतु किसी कर्जे में चला जा रहा है, मतलब लक्ष्मी जी आपके पास टिक ही नहीं रही हैं। तो ऐसे लोगों को बचत के लिए, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, उनका क्षय उनको समाप्त करने के लिए 11 अक्षत के दाने यानी चावल से इस सुंदर से उपाय को अवश्य करना चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में बतलाया है कि यदि इस उपाय को एक बार कर दिया जाए तो जो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिक रही, वह टिकना शुरू हो जाती है और आप खुद देखेंगे घर में धन की बचत होना शुरू हो जाएगी, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होने लग जाएंगी। तो इस उपाय को करना कैसे है, वह जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले भाद्रपद के किसी भी सोमवार को आप इस उपाय कर सकते हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसी भी सोमवार को, परंतु भाद्रपद मास का होना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, 11 चावल के दाने ले लेना है जो कि खंडित ना हो, पूर्णता ही अक्षत कहलाती है। तो इसीलिए 11 पूर्ण, जो खंडित ना हो, 11 दाने चावल के आप ले लीजिएगा। अब आप एक तांबे के पात्र में अपने घर से जल भर लीजिएगा। एक पात्र में जल भरने के पश्चात अब आपको मंदिर जाना है। मंदिर आप सुबह या प्रदोष काल में कभी भी जा सकते हो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। यदि सुबह उपाय नहीं कर पाए तो फिर शाम के समय में कर सकते हो। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। तो आप सुबह या प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, भगवान को प्रणाम करते हुए मंदिर में प्रवेश कर जाएं, नंदी जी का जो उठा हुआ पैर होता है, अक्सर आप देखते होंगे नंदी जी का जो उठा हुआ पैर है, उस पैर के ऊपर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद अपनी प्रार्थना सबसे पहले आपको नंदी जी को कहनी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं शिव महापुराण में कहा जाता है कि सबसे पहली जो यदि मनोकामना आप नंदी जी को कहते हैं तो वह मनोकामना आपकी पूरी जल्दी होती है, क्योंकि नंदी जी एक माध्यम है अपनी मनोकामना को भगवान तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी मनोकामना, जो भी आपकी आर्थिक समस्या है, नंदी जी से कहें, उन्हें थोड़ा सा जल सीधे पैर पे अर्पित कर दे जो कि उठा हुआ रहता है। अब आपको क्या करना है, जो 11 दाने आप अक्षत के लेकर गए हो उन्हें अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय कहते हुए क्या कहेंगे, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय कहते हुए एक एक चावल के दाने को आप लोटे में डालते जाइएगा। मतलब एक चावल का दाना डाला, एदम अक्षतम ओम नमः शिवाय कहा, फिर दूसरा डाला, फिर आपको इस मंत्र को बोलना है। इसी तरह से 11 बार मंत्र बोलेंगे और 11 जो दाने आप ले गए हैं उसे लोटे में डाल देंगे। अब इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, महादेव से अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा, रोग में लग रहा है, कर्ज में जा रहा है, व्यापारियों मतलब घाटा होता चला जा रहा है, कुल मिला के ये उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है, धन की बचत के लिए किया जाता है। तो आप इस जो जल जो आपके पास है उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद महादेव से अपनी मनोकामना कहते हुए अपने घर को आप लौट आएंगे। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि दीदी, चावल के दाने जो लोटे में बच जाएंगे उसका क्या करना है, उन दानों को शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करके आपको आ जाना है। आप कुछ ही समय में 15 दिनों के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपकी जो भी आर्थिक समस्या है वह धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी, धन की आवक जो हो रही है वह धन बचत के रूप में आपके पास बचना भी शुरू हो जाएगा। उपाय बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय है, केवल 11 चावल के दाने से आपको इस उपाय को करना है। तो इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा, क्योंकि सभी के जीवन में धन की आर्थिक समस्याओं की जो परेशानी है वह चलती ही रहती है। तो इस उपाय को जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि थोड़ा सा भी लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ में शेयर करके पुण्य अवश्य रूप से कमाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी। दोस्तों।